नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, येलो किचन के डोसा वीक में आज मैं आपको डोसा की लास्ट रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और साथ में देखने में भी बहुत ही सुंदर है, ग्रीन कलर की। इससे समझ जाओ कि मैं बताने वाली हूँ पालक का डोसा। पालक का डोसा दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए मैं आपको एकदम आसान तरीके से बनाना बताती हूँ। पालक का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भीगा हुआ मूंग ले ली हूँ। इसे मैंने 1 से 2 घंटे तक भिगाया था। आपको अगर जल्दी हो तो गर्म पानी में हम आधा घंटा भी भिगाएं तो भी मूंग का दाल भीग करके रेडी हो जाता है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल दूंगी और एकदम इसको थोड़ा सा पानी डाल करके एकदम बारीक पेस्ट तैयार करूँगी। इसमें पहले मैं मिलाऊँगी कटे हुए पालक। यहाँ मैंने 1 कप के लगभग पालक को अच्छी तरह से धो करके काट बड़े बड़े रफली काट लिए हैं टुकड़ों में मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी 3 हरी मिर्च। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और थोड़े से अदरक के टुकड़े डालूंगी। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और इसमें मैं अब 2 चम्मच भर के मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी से हमारा डोसा जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मैं एकदम बारीक पेस्ट इसका मैं तैयार करूंगी। तो देखिए, यहाँ हमारा मूंग पालक पीस करके रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी एकदम डोसे का जो थिक बैटर होता है उसी तरह से है। इसमें हमें अब और पानी नहीं मिलाना है। मैंने इसे पीसने के लिए 1/2 कप पानी का यूज़ किया था। अब यहाँ पे तावा गरम हो गया है। डोसे का बैटर मैं कलछी में लेकर के बीच में रखूंगी और बीच में से घुमाते हुए किनारों पर सर्कुलर मोशन में कलछी को लाऊंगी। देखिए इस तरह से, जैसे दोस्तों हम नॉर्मली डोसा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको घुमाना है। देखिए, कुछ सेकंड रुकने के बाद जब डोसा हमारा सेट हो जाए तो किनारों पर मैं तो 1 चम्मच के लगभग तेल डाल दूंगी। इससे क्या है, डोसे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और आसानी से तावे से ये निकल भी जाता है। दोस्तों, एक डोसा तैयार होने में 3 से 4 मिनट तक का टाइम लगता है। अब किनारे हमारे अच्छे से सीक जाए इसके लिए मैं तावे को आँच पर घुमा दूंगी। देखिए इस तरह से हमें तावे को आँच पर अच्छी तरह से घुमा देना है, किनारे भी अच्छी तरह से पक जाए। अब किनारे हमारे पक चुके हैं। अब पलटे से हम किनारों को खोल लेंगे और डोसे को पलट करके दूसरे साइड में भी हल्का सा सेक लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो प्रेस नए नए रेसिपी के वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। देखिए इस तरह से हमारा पालक का डोसा बन करके रेडी हो गया। दोस्तों, आप इसे सांभार के साथ, चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी डोसे रेडी कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों देखिए कितना जालीदार करारा हमारा डोसा बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है दोस्तों और बहुत ही हेल्दी भी है। बच्चे वैसे भी पालक खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से बच्चों को डोसे के रूप में पालक को खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी पालक का डोसा घर में बनाइए, खाइए और खिलाइए। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।